स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में मेरा नाम है एचपी सोलंकी दरअसल केंद्र सरकार की तरह अब यूपी गवर्नमेंट भी नीति आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है ज्ञातव्य हो कि यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मकसद से राज्य सरकार प्रदेश के लिए नीति आयोग का गठन करने की तैयारी में लगी है और इस सिलसिले में कुछ बैठकों के साथ प्रस्तावित राज्य नीति आयोग का खाका भी तैयार कर लिया गया है जैसा की आप जानते हैं कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य है जिसने सबसे पहले राज्य नीति आयोग का गठन किया था और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश होगा जिसका अपना नीति आयोग होगा अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सरकार की प्राथमिकताएं निर्धारित करना और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हासिल करने के लिए नीतियाँ बनाने में मदद करना है उत्तर प्रदेश का नीति आयोग का कार्य क्या होगा दरअसल उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है भारत की लगभग साढ़े सत्रह प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में योगदान साढ़े आठ प्रतिशत ही है इस प्रकार उत्तर प्रदेश शहरीकरण और औद्योगिकरण में भी कई राज्यों से पीछे बना हुआ है उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश का बाईस क्षेत्र ही शहरीकृत है इन सभी मुद्दों को संज्ञान में रखते हुए एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है जो विभागों और निकायों में समन्वय बनाकर यूपी को संपूर्ण विकास करने में सक्षम बना सके प्रधानमंत्री मोदी की भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की घोषणा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सहयोग के लिए प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ऐसे में इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए राज्य नीति आयोग की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है नीति आयोग राज्य के विकास के लिए अलग अलग नीतियों के लिए सुझाव देगा साथ ही नीतियों को विश्लेषण करेगा अगर नीति आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे इसकी अध्यक्षता केंद्रीय नीति आयोग की तर्ज पर मुख्यमंत्री करेंगे हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है उपाध्यक्ष के पद पर राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होगा आपकी जानकारी के लिए बता दें उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्ण विकास के लिए दस विभागों का पुनर्गठन पर भी कार्य कर रही है जैसे कृषि उत्पादन अवसंरचना और औद्योगिक विकास सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं अस्पताल शिक्षा शहरी विकास ग्रामीण विकास राजस्व संग्रह और भी कई क्षेत्र हैं जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वच्छता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है इतना ही नहीं भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में ही है जिस कारण उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस राज्य की भी संज्ञा दी जाती है एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर यूपी में निर्माणाधीन है ज्ञात हो कि रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूपी के छह जिलों में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है साथ ही राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी सम्मिलित है इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में विकास और निवेश की अपार संभावनाएं हैं लेकिन इन सभी को धरातल पर लाने के लिए एक ऐसे आयोग की आवश्यकता है जो समन्वय बनाकर त्वरित कार्य कर सके आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं साथ ही एच वी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं